यहाँ बनारस में समोसे कचौड़ी की दुकान पे ये चटपटे आलू भी बिकते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें अदरक लहसुन मिर्ची को मोटा मोटा कूटना होगा। और ये इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि आलू को उबाल लेंगे, धनिया पुदीना को साफ़ कर लेंगे और थोड़ी सी इमली भी मैंने भिगो के रखी है। तो खल बट्टे में हम लहसुन और अदरक मिर्ची को डालते हैं। लहसुन मैंने 12-15 लिया था और अदरक 2 इंच के करीब है। मिर्ची हम बिल्कुल अपने हिसाब से ही डालेंगे, चाहे तो मिक्सी जार में इसको हल्का सा मोटा मोटा कूट लें। इसको निकाल लेते हैं और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इमली का रस भी निकाल लेना है। सारी तैयारी करने के बाद बस 2 मिनट का समय लगेगा और ये आपका चटपटा आलू चाट बन के तैयार हो जाएगा। इमली का रस मैंने 1/4 कप के करीब लिया है और अब हम चटनी बनाएंगे। पुदीना का मेन फ्लेवर होता है तो 1/2 कप के करीब पुदीना है और धनिया की पत्ती है। इन सारी चीज़ों को मैंने धो के साफ़ करके बिन के रखा था। तो 2 चम्मच बस धनिया डालेंगे और चाहे तो केवल पुदीना से भी इसको हम बना सकते हैं। और अब इसको हम पीस लेंगे। खल में अभी काफ़ी मसाला लगा रह गया था तो उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने धनिया पुदीना पीस लिया है और बिल्कुल अच्छे से एकदम बारीक कूट के रखा है। और आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया मैंने। तो अब तड़का तैयार करते हैं। और एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे। और अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा के साथ ही इसको ऊपर थोड़ा फैला दीजिएगा, कढ़ाई चिकनी हो जाएगी और आलू ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। तो अब हम इसमें ये हमारे कटे हुए आलू डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा भून लेंगे बस 3-4 मिनट के लिए कि इसमें अच्छे से तेल लग जाए। और बीच में आप इसको जब जंगा करिएगा ना आलू को ऊपर करके, जो तेल है वो सेंटर में आ जाएगा और फिर हम उसी में मसाले डालेंगे। ऐसे तो मसाले कुछ भी नहीं पड़े हैं इसमें, केवल काली मिर्च और भुना जीरा ही पड़ा है। तो काली मिर्च 1/2 चम्मच डालेंगे और भुना जीरा 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है। और अदरक मिर्ची वगैरह को जो हमने कूट के रखा था वो डाल देंगे। और आलू हमारा 2 कप के करीब था तो अब फिर से इसको एक बारी भून लेते हैं। आलू में अच्छे से लहसुन वगैरह को लपेट लेंगे तो वो सारा फ्लेवर आ जाएगा उसमें। और अब नमक डालेंगे तो नमक इसमें दोनों जाएगा, काला नमक सादा नमक। तो नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं और लाल मिर्ची भी बहुत थोड़ी सी डाल देंगे। अब फिर से बीच में जंगा करते हैं और जो हमने चटनी बना के रखी है पुदीना धनिया की वो डाल देंगे। आप देखिएगा इसको बनाने में केवल 2 मिनट लगा है और इसको आप सब्जी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे हम एज अ चाट भी सर्व कर सकते हैं। इमली का रस डालेंगे और अगर इमली का रस नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह नींबू का रस डाल दें। बस इसे हमें मिक्स करना है। एक बार नमक टेस्ट कर लीजिएगा और ये तैयार है। गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं। इसमें ऊपर से मैंने महीन वाला शक्करपारा और थोड़ी सी धनिया की चटनी भी डाली है। तो बस इसको एंजॉय करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।